सारयां नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल। मैं अज एक बहुत वड्डा ऐलान करन जा रहा, जिवें कि तुहानूं सारयां नूं पता ही है कि आम आदमी पार्टी सच्चे दिलों ईमानदार पार्टी है। साडी सरकार तहे दिलों ईमानदार सरकार है। असीं एक रुपये की भी हेराफेरी बर्दाश्त नहीं करांगे। जदों चोण प्रचार दौरान मैं पिंडां शहरां कस्बियां जांदा सी तां मैं लोकां दी अखां चों एक उम्मीद देखदा सी। लोकां दे चेहरियां तों मैनूं एक उम्मीद नज़र आउंदी सी कि शायद कोई ऐसा आवेगा जिहड़ा सानूं भ्रिष्टाचार दी आ करप्शन दी दलदल चों कढ लेगा। ते जदों मैनूं मुख्यमंत्री दा चेहरा ऐलान करना सी तां दिल्ली दे मुख्यमंत्री ते आम आदमी पार्टी दे क्रांतिकारी प्रधान श्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी मैनूं कहा सी कि भगवंत, मैं एक पैसे की भी बेईमानी रिश्वतखोरी भ्रिष्टाचारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं उन्होंने वचन दिता सी कि जी बिल्कुल इदां ही होगा, अपनी पार्टी जिहड़ी है वो एक अंदोलन चो निकली हुई पार्टी है, करप्शन के खिलाफ अंदोलन चो निकली हुई पार्टी है। तो भावें कोई अपने ही होवे असी उन्होंने बख्शांगे नहीं। मेरे ध्यान च एक केस आया जिद विच मेरी सरकार का एक मंत्री हर टेंडर चो जा उस महकमे नाल संबंधित खरीदो फरोख्त दे विचों 1% कमीशन मंगदा सी। मैं इस केस नूं बहुत गंभीरता नाल लिया। इस केस दा सिर्फ मैनूं पता है, ना तो मीडिया नूं पता है, ना विरोधी पार्टियां नूं पता। जे मैं चाहुंदा तां इस केस नूं मैं दब सकदा सी, पर जे मैं इदां करदा तां अपनी जमीर नाल भी धोखा करदा ते लखां लोक जिन्हां ने मेरे ते विश्वास कीता है उन्हां दा मैं विश्वास तोड़दा। इसलिए मैं उस मंत्री दे खिलाफ सख्त एक्शन लै रहा, उन्होंने मंत्रीमंडल चो बर्खास्त कर रहे हैं ते तुरंत पुलिस नूं उहदे खिलाफ केस दर्ज करन दे निर्देश दे रहे हैं। उस मंत्री दा नाम है डॉक्टर विजय सिंगला, जिहड़े कि सेहत मंत्री सी ते उन्होंने अपने डिपार्टमेंट दे विच इह कपड़ेबाजियां कीतियां ते उन्होंने ये गुनाह कबूल भी किया। मैं तुहानूं सारयां नूं दसना चाहुंदा कि आम आदमी पार्टी सरकार जीरो टॉलरेंस रखेगी भ्रिष्टाचार के खिलाफ। इतिहास दे विच भारत दे 75 साल आजादी दे होण वाले ने, इतिहास दे विच दूजी वार ये काम हो रहा है। एक बार 2015 दे विच अरविंद केजरीवाल जी ने अपने फूड सप्लाई मिनिस्टर नूं एक ऑडियो फोन ते पैसे मंगण दे चार्ज दे हेठ बर्खास्त भी किया सी ते उहदा केस जिहड़ा CBI ने दिता सी। ते मैं सारे अफसरां नूं, राजनीतिक लोकां नूं जां रसूखदार जिहड़े भी हैगे ने, चाहे साडे अपने ने चाहे बेगाने ने, मैं उन्हां नूं ये दसना चाहुंदा कि मैं 1 रुपये का भी भ्रिष्टाचार जिहड़ा है वह बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो अपने आप ही ठीक हो जाण, नहीं तो सख्त कार्रवाई लई तैयार रहन। क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह दे पिंड खटकड़ कलां जाके जो असीं सहुं खाधी सी, असीं यही कहा सी, यही उत्थे अरदास कीती सी कि शहीद आजम जिन्हां दा सुपना सी कि आज़ादी तो बाद मुल्क किहो जिहा होऊगा, आज़ादी तो बाद मुल्क किहड़े हत्थां जाऊगा, असीं शहीद आजम भगत सिंह दे सुपनिआं दी आज़ादी जिहड़ी आ उह लोकां तक लैके जाणी है, करप्शन फ्री पंजाब बनाउणा है। जदों अरविंद केजरीवाल जी वर्गे ईमानदार सपूत भारत मां दे इत्थे रहणगे ते मेरे वर्गे हज़ारां उन्हां दे सिपाही उन्हां साथ देणगे तां इह देश बदल सकदा है। अपने एक धारना है कि नहीं, करप्शन का सिस्टम बहुत गूढ़ा है जी, बहुत गहरा है जी, ये टुट नहीं सकता, ताना बाणा उलझा हुआ है। बिल्कुल ये टुट सकता है जे नीयत सच्ची होवे। सो अरविंद केजरीवाल जी दे दसे हुए रास्ते ते चलदिआं आम आदमी पार्टी वल्लों एक इतिहासक फैसला लिया गया। कई विरोधी पार्टियां कहणगीआं देखो जी 2 महीने दे विच ही इन्हां दा एक मंत्री जिहड़ा ओ करप्शन दे विच आ गया, तां उहदे कार्रवाई भी तां मैं ही कर रहा। विरोधी पार्टियों तो पता भी नहीं सी, उन्हां दे भी मुख्यमंत्री ये कहिंदे रहे ने कि सानू पता सी कि इन्ने मंत्री साडे माफिया दे विच इनवॉल्व ने, पर उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, ये गल मैं उन्होंने भी पूछना चाहूँगा।
सो जे नीयत सच्ची होवे तो सब कुछ हो सकता है। तो अज इस इतिहासक फैसले दे विच मैं अपनी आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार दे एक भ्रिष्टाचारी मंत्री नूं बर्खास्त भी कर रहा, तो उहदे खिलाफ पुलिस नूं केस दर्ज करन दे निर्देश भी दे रहा। देश बदलांगे, जरूर बदलांगे, तुहाडा साथ चाहिए। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।